नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ ऋषा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र का सियासी संघर्ष अब सियासी संकट की तरफ बढ़ा। राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीट बंटवारे पर बीजेपी एलजेपी में नहीं बनी बात, चिराग पासवान ने कहा हम झारखंड में अकेले ही लड़ेंगे। 550वें प्रकाश वर्ष पर डिप्टी सीएम पायलट पहुंचे गुरुद्वारा, मत्था टेक, लगाई अरदास, खाचरियावास और डोटासरा भी रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी आवास पर जनसुनवाई की। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने अपने आवास पर ये जनसुनवाई की, जिसके चलते इस मौके पर विभिन्न स्थानों से आए दिव्यांगजनों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। सचिन पायलट ने लोगों की समस्याएं सुन उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। सीएम की जनसुनवाई में करौली के पूर्व विधायक दर्शन सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम के सामने अपनी मांग रखी। गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अपना माथा टेका। आपको बता दें कि 550वें प्रकाश पर्व के तौर पर और उसके मौके पर डिप्टी सीएम ने भी अपना माथा टेका। सचिन पायलट राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने लंगर में श्रद्धालुओं को भोजन भी परोसा, साथ ही लंगर में गुरु नानक देव का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सचिन पायलट भी साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। राजधानी में सिख समाज के प्रमुख गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर भी खासी धूम देखने को मिली। आपको बता दें कि शहर में विभिन्न इलाकों में गुरुद्वारों के विशेष रूप से सजाया गया। इस मौके पर शहर के हजारों श्रद्धालु गुरुद्वारे माथा टेकने पहुंचे। इस मौके पर गुरुद्वारे में कीर्तन पर भक्त मंत्रमुग्ध दिखाई दिए। देश भर में विभिन्न हिस्सों में आए हुए जत्थों ने गुरु नानक साहब की वाणी और शब्द कीर्तन के साथ उनकी कही बात को अनुसरण में करते हुए कथा किया। इसके साथ ही लंगर भी चलाया गया। वहीं मथुरा में चलती कार में अचानक से आग लग गई। आपको बता दें कि आग चलती कार में अचानक से लगी है। वहीं पूरा मामला मथुरा के थाना बलदेव इलाके के यमुना एक्सप्रेस का है। आग लगने के कारण का पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया, लेकिन पूरी तरीके से कार जलकर राख हो गई। वहीं इस हादसे में कार चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। दरअसल ये कार यमुना एक्सप्रेस पे आगरा की ओर से नोएडा की तरफ जा रही थी, इसी बीच ये हादसा हुआ। वहीं बिजनौर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा पहुंचकर डुबकी लगाई। आपको बता दें कि बिजनौर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने दारानगरगंज पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। रात्रि से ही श्रद्धालु दारानगरगंज पहुंचकर सुबह सवेरे से ही गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं गंज में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला पंचायत व जिला प्रशासन द्वारा सभी सुरक्षा संबंधित कड़े इंतजाम किए गए हैं। लादेन वो नाम है जिसने अब तक 37 लोगों की जान ले ली। जी हाँ, आपको बता दें कि लादेन ये नाम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक हाथी का है। ये हाथी असम के गोवालपड़ा जिले के जंगल के आसपास वाले रिहायशी इलाकों पर एक आतंक का नाम बन चुका है। ये हाथी दूसरे हाथियों से अलग था। अक्सर हाथी झुंड में घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन लादेन नामक ये हाथी अकेला घूमता था। पिछले कई दिनों से वे रिहायशी इलाकों पर प्रवेश कर एक के बाद एक लोगों की जान लेता जा रहा है, लेकिन अब भी गोवापाड़ा जिले के विभिन्न इलाकों पर आतंक का दूसरा नाम बन चुका ये लादेन पकड़ा नहीं गया। पिछले कई दिनों से असम के चतिया में विधानसभा क्षेत्र के विधायक हाजरिका के नेतृत्व में इस हाथी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। रामपुर जनपद के ढकोरिया जाट पर हजारों श्रद्धालुओं का जत्था दिखाई दिया है। आपको बता दें कि रामपुर जनपद के ढकोरिया घाट पर रामगंगा नदी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु का जनसैलाब उमड़ा। यहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। यहां श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी के साथ विशेष पूजा अर्चना की। वहीं यहां प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। यूपी के प्रतापगढ़ में ट्रक की चपेट आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला यूपी के प्रतापगढ़ का है। दरअसल संग्रामगढ़ निवासी हरिलाल मोरंग खरीदने आए थे, इसी बीच यहां वो हादसे की चपेट में आ गए, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और फिलहाल नवतेज टीवी में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजी खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी।